ये खबर है सहारनपुर की। सहारनपुर बाजार की साप्ताहिक बंदी मंगलवार को करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश सेठी ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा। उन्होंने कहा कि रविवार की साप्ताहिक बंदी होने से सहारनपुर के कपड़ा व्यवसाय को बहुत नुकसान हो रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद व्यापारी और उद्यमी वर्ग के लिए काफी कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पहले भी रविवार का साप्ताहिक अवकाश कर दिया गया था, लेकिन सहारनपुर की परिस्थितियों को देखकर आपने इसे मंगलवार का कर दिया था। उन्होंने कहा, सहारनपुर में कपड़े का थोक कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ से कपड़ा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से जाता है। वहां पर रविवार को बाजार बंद रहता है, इसीलिए वहां के व्यापारी रविवार को ही खरीदारी के लिए यहां आते रहे हैं। लेकिन यहां रविवार को बाजार बंद रहने से दूसरे राज्यों के व्यापारी दिल्ली और अंबाला के थोक बाजारों से माल खरीद रहे हैं। इससे व्यापारियों और प्रदेश सरकार को भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सहारनपुर में रविवार की बजाय मंगलवार को साप्ताहिक बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बार रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार भी है, इसीलिए रविवार को बाजार खोलने की अनुमति दी जाए।